सहरसा में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 हुई। आपको बता दें कि जिले में अब तक 170 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं और फिलहाल जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 30 है। संक्रमित सभी मरीजों का इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। वहीं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि कुल 3,138 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें 2,868 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2,590 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 278 की रिजल्ट पेंडिंग है। कोविड-19 के संबंध में आज दिनांक 27 जून 2020 को कहा है, पिछले 22 जून से लेकर अभी 27 जून तक टोटल 21 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे टोटल पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में 200 हो गई है। इसी बीच 22 जून से लेकर 27 जून तक 72 पॉजिटिव केसेज जो इनका इलाज कटोरी छात्रावास में चल रहा था, उनका सैंपल नेगेटिव आया है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार टोटल डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 170 हो गई है। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केसेज 200, डिस्चार्ज होने वाले केसेज संख्या 170, तो टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में अभी 30 है, जिसका इलाज आइसोलेशन सेंटर में चल रहा है। अभी तक 3,138 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 2,868 का रिपोर्ट आया है, 2,590 सैंपल का रिपोर्ट नेगेटिव है, 278 सैंपल अभी भी पेंडिंग है, जिसका जाँच रिपोर्ट आज कल में आ जाएगा। मेरा पुनः जिलेवासी से अनुरोध है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, अनावश्यक अपने घरों से ना निकले, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, खासकर वृद्धजन, गर्भवती माताएं, बच्चे 10 साल के नीचे वाले हैं, वो तो बिल्कुल सतर्क रहें। यही मेरा सभी से व्यक्तिगत अनुरोध है, रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चीन के लद्दाख बॉर्डर के गलवान में शहीद हुए भारत के 20 जवानों की शहादत और कोशी की धड़कन फिल्मी स्टार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सहरसा जिले के सौर बाजार में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छिवली बॉर्डर के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें परिचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चालक को गंभीर अवस्था में पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चालक मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद ईशा निवासी टिकारी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज ने बताया कि सुबह लगभग 4 बजे वो फतेहपुर की ओर से कानपुर की तरफ जा रहा था, तभी छिवली बॉर्डर के पास नींद आने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और सामने खड़े ट्रक संख्या UP78CT3725 में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और किसी तरह चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई और क्लीनर मोहम्मद यासर नींद में होने की वजह से उसी में दब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले हेल्थ कार्ड का फर्जी लाइसेंस देने वाले गिरोह के एक सदस्य को मंझनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सैयद हुसैन नकवी नाम के अधेड़ को लखनऊ ने गिरफ्तार किया। गिरोह का दूसरा सदस्य रेहान फरार है। एडवोकेट और रिजवी से गिरोह ने 35,000 रुपए ठगे थे। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचकर जिले में बन रहे ओवरब्रिज के निरीक्षण के साथ कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने के प्रश्न पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कीमतों के कारण देश में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। चीन और उसके सहयोगी देश भारत की सीमा पर अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। अकेले भारत देश ही चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना चीन को जवाब देने में सक्षम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले में निर्माणाधीन सर्किट हाउस और सायरा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। प्रतापगढ़ कौशाम्बी और चित्रकूट जिलों को आपस में लिंक किया जाएगा। सूचना विशेष तौर से कौशाम्बी जनपद के लिए भी, प्रतापगढ़ के लिए भी, चित्रकूट के लिए भी, तीनों जिलों को जोड़ करके हम लोगों ने एक स्टेट हाईवे को जो लालगंज प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर के शहजादपुर जो गंगा सेतु है इससे होते हुए सुजातपुर एक आरओबी बन रहा है, उसके माध्यम से वाया मंझनपुर करारी बेनीराम कटरा सरायकी महिला घाट होकर या चित्रकूट जनपद जा करके मिलेगा। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर और लालगंज प्रतापगढ़ से शुरू होकर के जनपद चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 पर ये मिलेगा। इस
प्रकार से अगर हम देखें तो आज सड़क और सेतुओं को मिलाकर 346 करोड़ रुपए के लागत का ये स्टेट हाईवे कंप्लीट है। यह एक मैं समझता हूँ कि तीनों जिलों के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर। दूसरा एक महत्वपूर्ण और मैं महिला घाट के अलावा अभी हमने एक और घोषणा की है जिसमें कौशाम्बी जिले के यमुना जी के किनारे जो आलम कछार गढ़वा है गांव से निकल करके या मुस्तकिल चित्रकूट मार्ग को जोड़ते हुए यमुना नदी पर एक प्रस्तावित और स्कूल ये हमारा जिसकी हम आज घोषणा कर रहे हैं और इसे नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृति भी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसकी भी लागत लगभग 69 करोड़ रुपये आएगी। यह भी आज मैं यहाँ पर घोषणा करूँ। दूसरा अभी तीन आरोपी आज जिसमें एक जिलातपुर वाला मैंने आपको बताया वो स्टेट हाईवे से लिंक रहेगा लेकिन दूसरा अजुआ बाजार से निकल करके जुमाई रोड होते हैं उसमें भी एक आरोपी बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे अजुआ जीटी रोड ही नहीं बल्कि उधर का बहुत बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर के निकलेगा और पूरे कौशाम्बी जनपद को जोड़ते हुए ढाका फतेहपुर में जाकर के पहुँचेगा। इस रेलवे स्टेशन की आरओबी के बनने के बाद ये जो हमारा असराय रेलवे स्टेशन है